खबरों की माने तो रणबीर कपूर के नए घर के इंटीरियर डेकोरेशन की जिम्मेदारी सुजैन रोशन निभा रही है। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर के घर का इंटीरियर वर्क सुजैन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द रणबीर यहां मूव कर सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि रणबीर के इस नए घर में एक फ्लोर उनके मॉम एंड डैड के लिए भी होगा। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रणबीर यहां अकेले रहने वाले हैं। एक्टर रणवीर सिंह का रैप सॉन्ग काफी पसंद किया जा रहा है और रणवीर अपने इस हॉबी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। तभी तो सुनने में आया है कि रणवीर अपने फिल्म के मेकर्स को अपने रैप सिंगिंग स्किल से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि बॉम्बे वेलवेट के सेट पर अनुष्का शर्मा और रवीना टंडन के बीच बातचीत तक नहीं होती थी और अब इस न्यूज पर रवीना का बयान आया है। रवीना का कहना है कि फिल्म में उनका कोई भी सीन अनुष्का के साथ नहीं है। ऐसे में इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच प्रॉब्लम्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिल्म मासूम, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और वांटेड जैसी फिल्म्स में काम कर चुके एक्टर इंदर कुमार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इंदर पर उनकी गर्लफ्रेंड ने सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया है। इस मामले की तहकीकात पुलिस फिलहाल कर रही है। वैसे इंदर कुमार ने इन आरोपों को गलत बताया है। खबरों की माने तो अपनी दो फिल्म्स हाईवे और टू स्टेट्स की सक्सेस से एक्साइटेड प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने फैसला किया है कि वो अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ को कास्ट करेंगे। हम आपको बता दें, साजिद टाइगर श्रॉफ को फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। खबरों की माने तो मनीष शर्मा की अपकमिंग फिल्म फैन में शाहरुख कुछ डेडली एक्शन सीक्वेंसेस परफॉर्म करते नजर आएंगे। यशराज प्रोड्यूस्ड इस फिल्म का फिलहाल प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आउटसाइड इंडिया ही होगी।